क्रिसमस हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्म का संदेश है, जो प्रेम, शांति एवं भाईचारे का प्रतीक था, है और रहेगा। यीशु वह चमकते तारे थे जो 2000 वर्ष पूर्व मरियम से जन्मे। पिता परमेश्वर ने उन्हें इस धरती पर इसलिए भेजा ताकि उनके द्वारा समाज में व्याप्त पाप और बुराई का अंत हो। आइए उनके जन्मोत्सव में भाग ले। आज से लगभग 2700 वर्ष पूर्व परमपिता परमेश्वर ने नबी यशाया द्वारा यह भविष्यवाणी की थी कि एक कन्या गर्भवती होगी और वह एक पुत्र को जन्म देगी। वह उसका नाम ईसा रखेगी। वह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होकर सदा के लिए शांति, न्याय और धार्मिकता का साम्राज्य स्थापित करेगा। आइए हम चलते समय के उस कालखंड में। एक दिन नजारत के शहर में मरियम नामक एक कुंवारी लड़की के पास अचानक एक स्वर्गदूत आ पहुंचा। कौन है आप? मरियम, मत डरो, मैं स्वर्गदूत गैब्रियल तेरे लिए एक सुसमाचार लाया हूँ। सुसमाचार मेरे लिए? जाति की सारी महिलाओं में से परमेश्वर ने आपको चुना है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगे। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। यह कैसे हो सकता है? पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। स्वर्गदूत से यह जानकर कि बुढ़ापे में उनकी कुटुंबनी एलिजाबेथ को भी पुत्र होने वाला है, मरियम उनसे मिलने पहाड़ी प्रदेश से होकर यूदा के नगर जाती है। मरियम, मरियम की यूसुफ नाम के लड़के से मंगनी हुई थी। धीरे धीरे यूसुफ तक भी मरियम के गर्भवती होने की खबर पहुंच जाती है। यूसुफ मरियम को परित्याग करने की सोचता है। उसी रात उसे स्वप्न में स्वर्गदूत यह कहते हुए दिखाई देते हैं। यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को यहाँ लाने से नहीं डरिए, क्योंकि उनके गर्भ में जो है वह पवित्र आत्मा से है। वे पुत्र प्रसव करेंगी और आप उनका नाम ईसा रखेंगी। मरियम, मेरी मरियम। यूसुफ नींद से उठकर स्वर्गदूत की आज्ञा अनुसार मरियम को अपने साथ ले आते हैं। उन दिनों कैसर अगस्तस की आज्ञा द्वारा समस्त जगत की जनगणना हुई। सब अपना नाम लिखवाने अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ मरियम को लेकर गलीलिया के नाजरत से बेतलहम पहुंचते। वे वहां रहने के लिए किराए का मकान ढूंढते। हम परदेसी हैं और मेरी बीबी गर्भवती है और जन्म देने वाली है। क्या आपके घर में कोई कमरा मिल सकता है? नहीं नहीं, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, निकलो यहाँ से। भाई साहब, हम परदेसी हैं और मेरी बीवी गर्भवती है और जन्म देने वाली है। क्या आपके घर में कोई कमरा मिल सकता है? देखिए, मेरे यहाँ कोई खाली कमरा तो नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे घर के पीछे वाले आंगन में एक गौशाला है, वहाँ जानवर रहते हैं। अगर आप चाहें तो वो जगह ले सकते हैं। धन्यवाद। उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को अपने झुंड पर पहरा देते थे। प्रभु का दूत उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत डर गए। डरिए नहीं, देखिए, मैं आप सभी लोगों को
एक बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। आप एक बालक को चरनी में लेटा हुआ पाओगे। चरवाहे स्वर्गदूत की बात मानकर इस घटना को देखने के लिए बेतलहम जाते हैं। वे वहां पहुंचकर सब कुछ वैसा ही पाते हैं और खुशी से नाच उठते हैं। हम चरवाहे चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना। चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के।
dear brothers, sisters and friends, Christmas is a beautiful time of the year when we remember the birth of Jesus in Bethlehem and the story of God becoming man, the promise of peace, goodwill and growing sense of excitement and expectation make this time of year very special indeed. However, the question must be asked, what is truly the message of Christmas? The Bible tells us, Jesus Christ, the living message of peace and goodwill, was born in a stable because there was no room for Mary to give birth. And yet, at a time of great expectation for them, the only small mercy offered was a stable with the animals. The message this child brings to the world is one of unconditional love and acceptance. He welcomes all human beings in all their great variety as children of God. He believes in their essential goodness and loves them all. This love is not held back or reluctant. It is spontaneous, unquestioning, and all-embracing. Jesus' birth is one of the holiest events in the world, and with it comes the awareness that God has come down to dwell with us in human form. Dwelling within us, He is transforming the darkness of this world associated with evil. He is turning sin and brokenness into light and holiness. God's insurmountable love is personally inhabiting each of us for goodness and righteousness. After a long and tedious journey, Mary and Joseph arrived at Bethlehem. Mary's time had come. She was exhausted. Joseph went around anxiously, pleading for a shelter. No room anywhere. We can imagine his anxiety, fear and pain. It is no secret that due to COVID-19, we face many threats and challenges on a daily basis. This Christmas and New Year, there will be many families in such situations, months without a salary, no work, no food, sickness all around, no place for the children to play, no place to sleep. Many of them have lost their hope. Yes, Christmas is the time for hope. Hope is light in darkness, joy in desolation, happiness in sorrow, life in death. Someone led them to a stable, and it was rough and dirty, as stables generally are, cold and exposed. Nothing better was available. With a heavy heart, Joseph led Mary there. He looked at her. What was she feeling? But there was no reproach in her eyes, just a loving, understanding look. In these last 9 months, how many were the babies born in similar circumstances? How many expectant mothers did not reach the hospitals for lack of conveyance? He would say later, "The Son of Man has nowhere to lay his head." Although the whole world was his creation and belonged to him. As we are going to enter into the new year, let us ask the God's blessings on us. May we change our direction and not dates, change our commitments and not the calendar, change our attitude and not the actions, and bring about a change in our faith, our force, and our focus, and not the fruit. May we live
up to the promises we have made, and may we create for us and our loved ones the happiest New Year ever.